सो व्हाट्स अप गेमर्स, क्या हाल है सभी का। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस आज के ना आपके गेम में यहाँ पर नया वाला रोल पास आ चुका है, तो उसके तो बारे में बात करेंगे। उसके अलावा गाइस गेम में कुछ और नए इवेंट्स आए तो उसकी भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इवेंट में चलते हैं। तो वह देख सकते हैं यहाँ पर डेली स्पेशल बंडल फिर से हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी एक आउटफिट आई है, जो कि शायद हमारे जो घातक का जो हिंदी वो स्पेक था उसके अंदर आई थी। तो आउटफिट देखते तो काफ़ी कमाल की यहाँ पर लग रही है। तो अगर आप इसको मतलब कि डेली मतलब कि 10-10 रुपीज दे के अगर परचेस करोगे 5 बार, तो यहाँ पर आपको इन सब में कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो इसमें टाइम लिमिटेड चीज़ें भी है, तो ये डिपेंड करता है यहाँ पर मतलब कि आपको क्या चीज़ यहाँ पर मिल सकती है। और आई उसके लिए तो शायद 9 रुपीज़ प्राइस होगी इसकी। उसके अलावा अगर इस यहाँ पर ग्रोइंग पैक का भी इवेंट आए तो इसकी भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखते हैं हमें यहाँ पर मतलब कि यूसी वापस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अगर यूसी वापस नहीं मिल रहे होंगे तो बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इस पर, क्योंकि हमें यहाँ पर 60 यूसी का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर म्यूटेंट की स्किन है, तो यहाँ पर लोग यहाँ पर यूज़ भी नहीं करते हैं, तो मतलब नहीं इस वाले को पैक को परचेस करने का। तो इसको भी यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर मतलब होता, अगर यूसी वापस मिलते तो यहाँ पर आपको मिशन भी एक्सप्लेन करके बताता मैं। उसके अलावा इस गेम के अंदर एक यूसी के लिए आउटफिट भी आई है, मतलब यूसी से आप उसको परचेस कर सकते हो। तो देख सकते हो तो ये वाली आउटफिट यहाँ पर गेम के अंदर आई है, जो कि काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, क्योंकि इसका हेड गेयर वगैरह भी अलग है देख सकते हो। पर्सनली तो मुझे इतना कुछ खास आउटफिट नहीं लगी है, कि मतलब जितनी यूज लग रही है उस हिसाब से यहाँ पर आउटफिट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। उसके अलावा वैसे यहाँ पर अब चलते हैं यहाँ पर जो डेली स्पिन होता है उसको कर लेते हैं एक बार। तो देखते हैं हमें यहाँ पर 10 यूसी में क्या मिलता है। तो मैंने अपने फ्रेंड की आईडी में किया था, तो उसको एक जेम मिल चुका था, तो जिससे यहाँ पर वो मटेरियल यहाँ पर रिडीम कर लिया था, क्योंकि उसको अपनी गन्स को यहाँ पर अपग्रेड करना था। तो मुझे तो यहाँ पर पॉपुलैरिटी मिलती है। तो आप लोग बताना आपको मतलब कि 10-10 यूसी में क्या क्या चीज़ यहाँ पर मिली अभी तक। तो अगर ये 100% हो गया तो हमें एको जेम मिल जाएगा। तो देखते हैं 100% होता है कि नहीं होता, मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो रॉयल पास का भी लुक एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और गैस इस वाले रॉयल पास में एक ग्रेनेड की स्किन ऐसी मिल रही है, जिसमें अब आपको किल इफेक्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो सॉरी, किल मैसेज इफेक्ट नहीं, किल मैसेज यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको ग्रेनेड दिख भी रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मतलब कि रॉयल पास को अपग्रेड कर लेते हैं। तो प्लस वाला परचेस करने के मेरे को ज़्यादा तो यहाँ पर फायदे नहीं लग रहे, एक फ्रेम यहाँ पर आपको ज़रूर से मिल रहा है। तो यहाँ पर ये वाला परचेस कर लेते हैं एलीट पास। तो प्लस वाला अगर आपको मतलब कि बाद में परचेस करना हो बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि मतलब कि 600 यूसी लगेंगे उसके बाद भी। तो चलो यहाँ पर कलेक्ट भी कर लिए। तो किटी सेट हमें यहाँ पर मिल चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। और पायरेट की पेन की स्किन यहाँ पर हमें मिल चुकी है। तो बाकी रिवॉर्ड्स यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करेक्टर चेंज कर लेते हैं। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी यहाँ पर आउटफिट लग रही है, जो कि 1 RP में आपको मिल जाती है। वो फ्राई पैन की स्किन भी काफ़ी अच्छी है। तो 3 RP का इमोट भी चेक कर लेते हैं, और नीचे यहाँ पर आपको अवतार वगैरह देखने को मिल रहा होगा। तो सारा जमाना तो भाई कुछ ज़्यादा मतलब कि मस्त यहाँ पर बना दिया इसको। और देख सकते हो ग्रेनेड की स्किन मिल रही है। तो किल मैसेज भी इसका मतलब कि आपको अपग्रेड करने की इसको ज़रूरत नहीं है, किल मैसेज आपको सीधा देखने को मिलने वाला है। तो अब तो लगता है मुझे ग्रेनेड मतलब कि रखने पड़ेंगे अपने बैग में काफ़ी सारे। तो 3 तो रखता हूँ अब तो, मतलब कि ज़्यादा रखने पड़ेंगे। तो किसी बंदे का नॉक करके ग्रेनेड से फिनिश करने का अलग ही मज़ा यहाँ पर आने वाला है। और फिर ARP में देख सकते हो ये वाली आउटफिट हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि इतनी कुछ खास तो मेरे को यहाँ पर नहीं लगी है। तो मेल करेक्टर पर भी देख सकते हो, तो मुझे कुछ पर्सनली इतनी खास यहाँ पर नहीं लगी है। और यहाँ पर मिथिक वाली RP का जो मैक्स RP है 50 की, तो उसका इमोट देख सकते हो। तो काफ़ी छोटा सा यहाँ पर इमोट है, तो इससे अच्छा जो मतलब कि 3 RP में इमोट मिल रहा है वो ज़्यादा अच्छा यहाँ पर मेरे को लग रहा है। और इसके ऊपर बग्गी की स्किन आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको G36C की यहाँ पर आपको गन की स्किन देखने को मिलने वाली है, जो कि 3 RP रिवॉर्ड है। और यहाँ पर आपको एक ग्रोजा की स्किन देखने को मिलने वाली है। और 50 लेवल की RP की जो आउटफिट आप देख सकते हो, तो 50 लेवल की काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पर मेरे को आउटफिट। तो देख सकते हो काफ़ी मस्त यहाँ पर आउटफिट लग रही है। तो या तो यहाँ पर पूरा गोल्ड में होता है या फिर ब्लैक में होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्लैक मतलब कि नीचे अलग ही लग रहा है यहाँ पर, अगर पूरा गोल्ड में होता तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर लगती है आउटफिट, बट ये वाली आउटफिट भी काफ़ी कमाल की यहाँ पर लग रही है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको विंगमैन की स्किन भी देखने को मिल जाती है।
तो 15 RP के बाद यहाँ पर आप परचेस कर सकते हो और आपको सीजन 4 की हेयर स्टाइल यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि आप 1200 UC में ले सकते हो। उसके अलावा वैसे अगर हम यहाँ पर साइड में स्क्रॉल करेंगे देख सकते हो जो सीजन 14 का जो आउटफिट था ना मिथिक वाला, तो यहाँ से आप उसको यहाँ पर रिडीम कर सकते हो। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने ये वाला रोल पास तो नहीं लिया था, तो ट्राई करेंगे इसको लेने का। तो हो सकता है मैं यहाँ पर जो 100 UC का जो सुपर पॉइंट्स मिशंस आते हैं तो उसको भी यहाँ पर परचेस कर लो, क्योंकि काफ़ी मस्त यहाँ पर मिथिक आउटफिट यहाँ पर थी सीजन 14 की। तो उस टाइम पे क्या था कि यूसी परचेस नहीं कर सकते, तो मेरे अकाउंट में 60 UC कम पड़ रहे थे क्योंकि मैंने विगमैन की स्किन ली थी जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर उस टाइम पे आया था। और यहाँ पर आपको पता होगा इस वाली की RP के टाइम पर हम यहाँ पर रोल पर परचेस नहीं कर पा रहे, तो कुछ यहाँ पर जुआ लगा के हम परचेस कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पर गेम ने यहाँ पर उसको फिक्स कर दिया था। उसके अलावा यहाँ पर क्रेट्स वगैरह भी हम चेक कर लेते हैं। ओ भाई सीजन 5 की चीज़ें भी है इसके अंदर, तो भाई अब तो यहाँ पर चक्कर पड़ चुका है गाइस। यहाँ पर क्रेट ओपनिंग करेगी या फिर वहाँ पर उस वाली आउटफिट यहाँ पर रिडीम करें, तो सीजन 19 और 5 की यहाँ पर चीज़ें मेरे को देखने को मिल रही है इसके अंदर। तो भाई ये वाली बाइक की स्किन मतलब कि आपको पता है रॉयल एडवेंचर में यहाँ पर आई थी। और सबसे अच्छी आउटफिट मेरे को मतलब कि सबसे नीचे चलते हैं तो देख सकते हो, तो ये वाली आउटफिट काफ़ी कमाल की लगती है और सीज़न 2 की चीज़ें भी हमारे आपको नीचे देखने को मिल रही होगी। तो मेरे पास है यहाँ पर सीज़न 2 की चीज़ें बट यहाँ पर मेरे को ये वाली आउटफिट चाहिए है। तो भाई अब तो यहाँ पर मैं सीज़न 14 की वाली आउटफिट यहाँ पर रिडीम नहीं करने वाले, यहाँ पर क्रिएट ओपनिंग करने वाले हैं। तो ट्राई करेंगे वाले कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर RP पॉइंट्स कलेक्ट करने का इस वाले सीज़न, और हो सकता है यहाँ पर जो 100 UC में मतलब कि हमें 1000 पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पर, वो मैं वो भी परचेज यहाँ पर कर सकता हूँ। उसके अलावा ये वाली आउटफिट चेक करते हैं, तो काफ़ी कमाल की यहाँ पर ये वाली आउटफिट लग रही है जो कि मतलब कि आपको RP 1 में रैंक में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और फ्राई पैन की स्किन भी हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर लग रही है, मतलब कि दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी यहाँ पर लग रही है। तो ये वाला रोल पास आप बोल सकते हो काफ़ी तगड़ा यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि इसमें मतलब कि किल मैसेज वाले यहाँ पर ग्रेनेड भी आपको देखने को मिलता है और रॉयल एडवेंचर की आप यहाँ पर आउटफिट भी देख सकते हो। और यहाँ पर आपको SKS की स्किन भी देखने को मिलने वाली है जो कि मेरे को यहाँ पर एवरेज सी लगी, तो इतनी कुछ खास यहाँ पर मेरे को ये वाली स्किन नहीं लगी है, इससे बड़े यहाँ पर क्रेट ओपनिंग करना ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रहेगा। उसके अलावा जो यहाँ पर बोनस RP पॉइंट्स है ना, तो अब जाके यहाँ पर आप उसको कलेक्ट भी कर सकते हो। तो मैंने तो देख सकते हो सब कुछ कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर, तो चलो इसको अब यहाँ पर कलेक्ट भी कर लेते हैं। तो मेरे 188 हुए हैं यहाँ पर, तो जिससे RP यहाँ पर लेवल 2 हो चुकी है मेरी, तो मंथ 23 का यहाँ पर हमें RP पॉइंट्स मिल रहे हैं जो कि हमें यहाँ पर A1 रोल पास के यहाँ पर मिलने चाहिए थे। तो ऐसे PUBG वाले में भी ये चीज़ हुई थी मतलब कि मंथ 23 के यहाँ पर हमें RP पॉइंट्स मिले थे, तो बाद में चेंज होकर A1 के यहाँ पर वो बन चुके थे, क्योंकि A1 रोल पास में यहाँ पर आपको पता होगा मिली की अपग्रेडेबल गन की स्किन मतलब कि स्किन आने वाली है। गन की स्किन कैसे होगी, मिली की अपग्रेडेबल स्किन आने वाली है। तो आई होप कि नेक्स्ट रोल पास A1 यहाँ पर हो, क्योंकि उसमें हमें एक अपग्रेडेबल वेपन देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज़ थोड़ी मतलब कि यहाँ पर दिक्कत हो चुकी है गेम की तरफ से, तो देखते हैं मतलब कि कौन सा यहाँ पर रोल पास आता है, तो एक मंथ के बाद यहाँ पता चल जाएगा। तो चलो इसको भी यहाँ पर अनलॉक कर लेते हैं। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो तो बस यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।